दुनिया के दूसरे देशों के साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के नए स्ट्रेन और लोगों की लापरवाही की वजह से देश में कोरोना की नई लहर आ गई है। वायरस बदल रहा है तो जाहिर है इसे रोकने के लिए हमें अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। 24 मार्च 2020 के दिन देशव्यापी लॉकडाउन को कल एक साल पूरा हो जाएगा। ठीक एक साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब देश में कोरोना संक्रमण के महज 417 केस थे और तब इससे बचाव के लिए देश में तत्काल प्रभाव से 21 दिनों के सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आज इसके साल भर बाद कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर लोगों के मन में कई तरह के डर हैं, लेकिन हालात अब पहले से बेहतर हैं क्योंकि अब देश के पास कोरोना की वैक्सीन मौजूद है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से देश में कोरोना के टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें देश भर के 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में भारत में सबसे अधिक 32.53 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। वहीं बीते 30 दिनों में औसतन टीकाकरण की रफ्तार जहां 3,77,000 रही थी, उसे मार्च में बढ़ाकर 15 लाख प्रतिदिन की रफ्तार कर दिया गया है। वहीं अगर कोरोना के ताज़ा मामलों की बात करें तो देश में कोरोना के मामलों में भी रफ्तार बढ़ी है, लेकिन ऐसे में हमारे पास एकमात्र हथियार है कोरोना का टीका, जिसकी बढ़ती रफ्तार ही कोरोना के एक बार फिर बढ़ते मामलों को मात दे सकती है। ऐसे में सरकार का ये फैसला बेहद अहम और ज़रूरी कदम है और लोगों को भी इसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी से भाग लेने की ज़रूरत है। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।